हेलो बच्चों, आज नीट 2024 रिजल्ट को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया है, जिसमें कि हम लोग जो बार बार एनटीए से सवाल कर रहे थे कि आपने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क कैसे दिया है, तो फाइनली आज एनटीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक्सेप्ट किया कि हमने जो ग्रेस मार्क देने का तरीका अपनाया था वो फेयर तरीका नहीं था। बच्चों, आज एनटीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पहली बार अपनी गलती को स्वीकार किया है। तो इन सब चीज़ों को सुनते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि जिन भी बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है उनका री एग्जाम लिया जाए, और यदि वो री एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो बिना ग्रेस मार्क के पब्लिक किया जाए। तो ये जो बच्चे थे जिनको ग्रेस मार्क दिया गया उनकी संख्या थी 1563। तो 1563 बच्चों का जो री एग्जाम है वो 23 जून को होगा और रिजल्ट उनका 30 जून को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो खैर, हम लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि सभी बच्चों का री एग्जाम हो, लेकिन चलिए ठीक है, आपने 1563 बच्चों का ही कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला आया है ये कहीं ना कहीं आप लोग के फेवर में है, तो ये आप लोगों की पहली जीत है। आगे अभी कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब मिलना बाकी है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्द इसका भी फैसला आपके सामने आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि हाँ आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।